हेलो डियर फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पे एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के रूबरू एक नई कॉमन क्वेरी लेके मतलब आप लोगों की क्वेरी तो उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के जरिए तो फ्रेंड्स अक्सर एक क्वेश्चन बहुत से लोग पूछते हैं कि कोई सॉन्ग हमने प्ले करना है हारमोनिका के ऊपर तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि हम उसको कौन से स्केल के हारमोनिका के ऊपर बजाएं तो कहने का मतलब यह है कि वो एक सूटेबिलिटी पूछते हैं कि अगर ये कोई सॉन्ग है और हमारे पास ये तीन चार स्केल्स के हारमोनिका पड़े हैं अवेलेबल हैं तो अब हम उनमें से कौन से स्केल का हारमोनिका उठाएं उस पर्टिकुलर सॉन्ग को बजाने के लिए तो अभी मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन हैं तो वही बात थम रूल नहीं मैं बोलूंगा मैं अपनी कुछ ऑब्जरवेशंस जो हैं तो वो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा बट उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात स्केल्स ऑफ हारमोनिका को लेके ये है कि जब आप ये क्वेरी पूछते हैं कि मैंने कोई सी स्केल हारमोनिका के ऊपर गाना बजाया तो अब उसको मैं मतलब क्या वो गाना मैंने सही स्केल चुना सी स्केल हारमोनिका या मुझे किसी दूसरे स्केल पे बजाना चाहिए था स्केल के हारमोनिका के ऊपर अब यहां पे एक चीज बहुत जरूरी है वो ये है कि जैसे आप सी स्केल हारमोनिका के ऊपर कोई सॉन्ग बजा रहे हैं तो ऑब्वियसली सी नोट जो है उस हारमोनिका का एक सा हम मानते हैं अब आप अगर जी स्केल हारमोनिका उठाते हैं तो उसमें जी नोट जो है वो सा बन जाता है तो अब कंफ्यूजन क्या है पहली बात मतलब अगर आप स्केल इंटरचेंज कर रहे हैं हारमोनिका का तो इसके दो अलग अलग मतलब निकल सकते हैं पहला कि आप सी स्केल हारमोनिका के ऊपर बजा रहे हैं मान लीजिए सी मेजर स्केल में ही उसको बजा रहे हैं सी को सा मानते हुए बजा रहे हैं अब आपने जी स्केल हारमोनिका उठाया और उस पर भी आपने उन्हीं स्वर पे जो स्वर आपने सी स्केल पे लिए थे जिसमें सी को सा माना था अब जी स्केल हारमोनिका तो है बट उसमें भी आपने सी नोट को सा मान लिया और सॉन्ग को बजाना शुरू कर दिया तो उस चीज़ की खैर अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज है हो सकता है कोई पर्टिकुलर स्केल जो है वो सी स्केल हारमोनिका के ऊपर मुश्किल हो बट वही स्केल सेम स्केल किसी और हारमोनिका के ऊपर आसान हो तो मैंने खैर अभी सी की एग्जांपल ली है तो ऑब्वियसली सी स्केल तो सी स्केल हारमोनिका के ऊपर ही आसान रहेगा मान लीजिए जी, जी स्केल है तो आप उसको जी हारमोनिका के ऊपर बजाएंगे तो आसान रहेगा तो कहने का मतलब यह है पहला केस ये है कि आप वही स्वर जो है चुन रहे हैं जो आपने सी स्केल पे चुने थे वही सेम नोट्स स्वर मतलब सी डी ई e, सारेगा की बात नहीं कर रहा मैं सी डी ई की बात कर रहा हूं क्योंकि सी में सी नोट सा है और जी में जी नोट सा है तो मान लीजिए आपने कोई सी एफ जी डी सिक्वेंस बजाई तो वही सी एफ डी जी सिक्वेंस जो है आप जी स्केल हारमोनिका पे बजा रहे हैं तो इसका एक तो मतलब ये निकलता है दूसरा मतलब ये है कि आप वही ड्रॉब्लो पैटर्न जो आप सी स्केल हारमोनिका पे बजा रहे थे वही ड्रॉबलो पैटर्न आपने जी स्केल पे भी बजाया तो उस केस में सी को सामाना उसमें जी को सामाना ऑब्वियसली स्केल जो है वो गाने का चेंज हो गया पहले केस में आपने गाने का स्केल नहीं चेंज किया हारमोनिका आपने बेशक से चेंज कर लिया दूसरे केस में हारमोनिका आपने चेंज किया जैसे ही तो गाने का स्केल भी चेंज हो गया तो खैर ये एक कंफ्यूजन रहती है जब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि सेम क्वेरी है बट दो अलग अलग लोग उसको दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कई बार मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाती है तो आपको पहले ये चीज़ की क्लैरिटी रहनी चाहिए अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि कौन से स्केल का हारमोनिका हमें उठाना चाहिए इसके लिए कोई थम रूल नहीं है मैंने पहले बताया बट जरूर आपको कुछ एक बातें जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो जरूर आपके साथ शेयर करूँगा सो so, नंबर वन जो बहुत एनर्जी वाले सॉन्ग्स हैं फास्ट सॉन्ग्स हैं उनको आप सी स्केल या हायर ऑक्टेव पे प्ले कीजिए जो सैड सॉन्ग्स हैं बहुत स्लो सॉन्ग्स हैं वो ज़्यादातर सूट करते हैं लोअर ऑक्टेव्स पे या दूसरे जैसे स्केल्स हैं एफ स्केल हो गया जी स्केल हो गया ई e स्केल हो गया तो वहाँ पे वो सूट कर सकते हैं अगेन आई एम नॉट दैट दिस इज ए थम रूल बट दिस इज जनरली एप्लीकेबल टू मेजोरिटी ऑफ द सॉन्ग्स तो गाने का मूड कैसा है खुशी वाला गाना है नाचते हैं गाने वाला कोई गाना है वो आप हायर पे या सी स्केल पे या ए स्केल पे बजाइए जैसे जैसे आप स्केल नीचे करते जाएंगे अभी यहां पे एक चीज और क्लैरिटी आपको चाहिए कि सी स्केल जो है हारमोनिक का वो एक हाइएस्ट स्केल अवेलेबल है उसके बाद अगर आप मान लीजिए ए स्केल लेते हैं तो वो सी के नीचे वाला स्केल होगा पहले वाले ऑक्टेव का उसके बाद आप जी लेते हैं तो उससे पहले वाला होगा फिर उसी प्रकार से एफ ई डी तो सी के बाद वाले स्केल जो हैं वो अवेलेबल नहीं है तो मूड ऑफ द सॉन्ग ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दूसरी बात आप किस सिंगर का गाना बजा रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लैरिफाई करना चाहूँगा इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले कि बहुत बार मैंने ये डिस्कस भी किया है कि एक पता नहीं क्यों हमारे मन में एक चीज़ बैठी हुई है कि जो ओरिजिनल स्केल में गाया गया है हमको उसी स्केल में वो बजाना चाहिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है हारमोनिका के ऊपर बहुत से सॉन्ग्स हैं जो ओरिजिनल स्केल पे आप बजाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं करेंगे तो दूसरा पॉइंट मैं बात कर रहा था कि किस सिंगर का सॉन्ग है अब लता जी का कोई सॉन्ग है और उसको आप मान लीजिए जी G या एफ स्केल का हारमोनिका लेके उसके मिडल ऑक्टेव से बजाना शुरू कर दें तो वो लता जी वाला सॉन्ग मुकेश जी का हो जाएगा और उसी प्रकार से कोई मुकेश जी का सॉन्ग है उसको आप सी स्केल हारमोनिका के थर्ड ऑक्टेव पे बजाना शुरू कर दें तो वो लता जी जैसा साउंड करेगा अगेन आई आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ ए थंब रूल बहुत से ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनमें एक्सेप्शन भी होती हैं बट दिस इज़ माई जनरल ऑब्जर्वेशन कि जो मुकेश जी के सॉन्ग्स हैं मन्ना डे जी के सॉन्ग्स हैं रफी साहब के सॉन्ग्स हैं उनको आप अगर लोअर ऑक्टेव्स पे या जैसे जी स्केल हारमोनिका है ए स्केल हारमोनिका का लोअर ऑक्टेव है लोअर मिडल ऑक्टेव इस रेंज में अगर आप बजाएंगे या एफ स्केल है वहाँ पे वो सुनने में अच्छा लगेगा लता जी का सॉन्ग है या इन जनरल फीमेल्स के सॉन्ग्स क्योंकि जिनकी आवाज़ जो है वो पतली है तो उसको आप सी स्केल हारमोनिका पे बजा सकते हैं मिडल ऑक्टेव और अंतरा जो है जनरली हायर ऑक्टेव के दो तीन नोट जो हैं वो टच करेगा तो ये एक रेंज होगी हाँ इसी को अगर आप ए स्केल हारमोनिका पे भी बजा दें तो वहाँ पे भी वो मिडल और हायर ऑक्टेव में अच्छा साउंड कर सकता है तो बार बार मैं वो चीज़ कि ये रूल नहीं है बट ये प्रैक्टिस एक होनी चाहिए कि ये दो तीन चीज़ों का आप ध्यान रखें मूड ऑफ द सॉन्ग सिंगर कौन है उस हिसाब से आप हारमोनिका जो है चूज़ करेंगे गाने का ओरिजिनल स्केल क्या है वो बिल्कुल मैं उसको लास्ट में रखूँगा हालाँकि मैं उस चीज़ को कभी देखता ही नहीं कभी मैं ओरिजिनल स्केल जो है सॉन्ग का तो वो कभी देखता ही नहीं क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा साउंड करे हर बार तो ये कुछ एक जनरल पॉइंट्स जो हैं जो मेरे माइंड में थे हाँ एक और चीज़ जो ड्यूएट सॉन्ग्स हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको पर्टिकुलर रहना पड़ता है क्योंकि नॉर्मली uh, अगर आप जी एफ या डी स्केल पे जाएंगे तो वहाँ पे वो ऑक्टेव जो है बहुत नीचे हो जाएगा तो ड्यूएट सॉन्ग्स जो हैं ए स्केल हारमोनी सी स्केल हारमोनिका क्योंकि उसमें आपको दो अलग अलग ऑक्टेव्स प्ले करने हैं एक ऑक्टेव फीमेल पार्ट के लिए और लोअर ऑक्टेव दूसरा ऑक्टेव जो है वो मेल पार्ट के लिए तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि जो मेल वाला पार्ट है अगर आप एफ स्केल या जी स्केल हारमोनिका बजा रहे हैं तो कहीं वो बिल्कुल नीचे वाले सप्तक पे तो नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ पे वो नोट्स जो हैं बहुत लो हो जाएंगे और हो सकता है कि आपको बजाने में भी वहाँ पे दिक्कत हो साउंड तो हो सकता है कि वो अच्छा ना करे वो एक अलग चीज़ है बट वो बजाने में भी आपको दिक्कत जो है वो आ सकती है क्योंकि वहाँ पे लोअर ऑक्टेव पे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो रीड्स का रिस्पॉन्स जो है उनका इनर्शिया जो है वो इतना बढ़ जाएगा कि आप फूक मारेंगे और वो कुछ समय लेगा वाइब्रेट करने में तो रिस्पांस जो है वो थोड़ा रिस्पांस टाइम कम हो जाएगा तो ये कुछ एक बातें जो मेरी ऑब्जरवेशंस हैं हो सकता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हों जो मेरी नज़र में ना आई हों या मुझे अभी उनके बारे में ना पता हो और आप लोगों की वो ऑब्ज़रवेशन हो तो वो भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट करके क्योंकि इसी तरह से अगर हम एक दूसरे से चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कहीं से सीखने वाली चीज़ें नहीं हैं Uh, मतलब ये हम प्रैक्टिकली इसको जब बजाएंगे तो ये चीज़ें सामने आएंगी हमारे खुद के हिट एंड ट्रायल से कुछ ना कुछ निकल के सामने आएगा और फिर जब हम बहुत से लोग एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो बहुत सी अच्छी जानकारी जो है तो वो हमारे पास आएगी तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं आप लोगों की क्वेरी को कुछ हद तक मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल हंड्रेड परसेंट कुछ हद तक आपकी क्वेरी को एड्रेस जरूर करेगी और इसी तरह के और वीडियोस आपकी अलग अलग क्वेरीज के ऊपर मैं समय समय पे बनाता रहूंगा और जल्दी ही मिलेंगे एक अगले वीडियो में कुछ इसी तरह का एक नया टॉपिक नई क्वेरी के साथ तो तब तक के लिए फ्रेंड्स डू टेक केयर ऑफ योर एंड गुड बाय फॉर